यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ नेम बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर BMW SS1000 RC का चिट कोड। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने क्या ही गड़बड़ी कर दी है। यहाँ पर देखो, ये हालत देखो। यहाँ पर थार के ऊपर मैंने लंबोर्गिनी चढ़ा दी और दोनों चल रहे हैं। वाह भाई, मौज कर दी। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, तो अभी सीधे चलते वीडियो का टॉपिक की तरफ। तो वीडियो का जैसा कि टॉपिक था कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में BMW SS1000 RC, ये एक बाइक है, कार नहीं है। तो ये क्या सच में आ चुकी है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में, या फिर इसका चीट कोड? तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये अभी तक इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आई नहीं है। तो अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि क्या ये फ्यूचर में इस गेम के अंदर आएगी। हाँ, बिल्कुल आ सकती है। नेक्स्ट अपडेट में भी इसके जो अप्रैल या मार्च में जो अपडेट आएगा, इसमें संभव है कि आ सकता है। मैं अभी 100% श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन शायद से आ सकती है। और अभी बात करते हैं कि अपडेट आएगा कब। तो अपडेट तो मैंने जैसा कि बोला होली तक, लेकिन होली तक वहाँ पर सिर्फ उन्होंने 50% वर्क कंप्लीट किया है। इसका मतलब अभी तक अपडेट आएगा ही नहीं। आएगा तो अप्रैल तक आएगा या फिर मार्च के लास्ट तक आएगा। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में अपडेट बहुत ही लेट है, अभी तक महीनों। और इस गेम में अभी नाम वगैरह भी चेंज होगा। हाँ, यह गेम पूरा चेंज हो जाएगा। इसका कैरेक्टर, इसका प्लेयर, इसके सिटी, इसके ग्राफिक्स, नेम, जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इतना बड़ा अपडेट आएगा ना। और एक बात, मैं आपसे लोगों को आज के इस वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हायाबुसा का चीट कोड क्या है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मुझे देखना है कि किस किस बंदे को हायाबुसा का चीट कोड पता है। तो मुझे तो पता है कि, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। आपसे लोगों को बताना है मुझे कि हायाबुसा का चीट कोड क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये जो ग्लिच है ना, इसको तो देख लिया होगा। तो इसको ऐसे ही करते हैं, इस ग्लिच को गाड़ी एक जगह पर एक मंगवाओ, ना हिलकर दूसरी मंगवा लो, तो इसके ऊपर उठ जाएगा और आप लोग जंप करके सीधे इसमें घुस जाना गाड़ी के अंदर। तो आपका मस्त दोनों गाड़ी चलने लगेंगे। और अगर कोई भी गाड़ी गिर गई, ओ देखो, ये देखो, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों ही गाड़ियाँ चल रहे हैं, बहुत ही मस्त वाले। तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को जाकर चेकआउट करना। मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एंड स्क्रीन में भी लगा दिया है। आप लोग जाकर मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट करना। और 1600 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। और एक बात कहना चाहूँगा मैं कि Q&A 15.1.5 के स्पेशल Q&A का मैंने अपने कम्युनिटी टैब में डाल दिया। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जाकर वहाँ पर पूछ सकते हो। मैं वीडियो में सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज की हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो किसी को ना किसी को पसंद आती ही है। और आप सभी को, आपको अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी है कि ये चीज़ इस वीडियो में कम है या फिर कोई गड़बड़ है, तो आप लोग मुझे बताना। और अभी आप लोग कहोगे BMW RC का मैंने फेक क्यों थंबनेल बनाया, क्योंकि उसके आने के लक्षण हैं, इसीलिए मैंने थंबनेल बनाया है फेक। तो आप लोग उतना कुछ खास ध्यान मत देना। आई होप आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। टिल दैट टाइम्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।